हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के न्यू ब्लॉग में। सो गाइज, हम लोग आ जाए देवनार बकरा मंडी एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है गोवंडी में। और अभी हम लोग जस्ट गोवंडी स्टेशन पे ही खड़े और आगे चलते हैं फिर देवनार बकरा मंडी में, फिर आपको एक्सप्लोर करते हो सर। सो गाइज, जैसे आप गोवंडी स्टेशन पर उतरते हो मिलेगा, मतलब ये गली मिलेगी, गली से निकलने के बाद ही सामने देवनार बकरा मंडी का गेट है। तो ये सामने है देवनार बकरा मंडी का गेट। यहाँ से अंदर जाते गाइज, वो जो आगे वाला गेट है वो बहुत दूर है, बहुत दूर। तो हमें पीछे वाले गेट से अंदर जा रहे हैं, तो ये है बकरा मंडी का गेट। लोग जाके अंदर फिर आपको एक्सप्लोर करते हैं। ये गेट नंबर 4 है। जैसे कि अंदर आ चुके हैं और हम लोग ने ये पहला बकरा देखे। सो भाई, ये कौन सी नस्ल का है? कौन सी नस्ल का भाई ये? ये राजस्थानी। राजस्थानी, क्या प्राइस है इसका? इसका 30,000। 30,000 रुपये बोल रहे भाई ये बकरे का, देख सकते हैं। माशाल्लाह, अच्छा है। सो आपका कांटेक्ट नंबर बोलो ना। आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? फ़ोन नंबर बोलो आपका। क्या मांग रहा है भाई? 70-60-41-95-71। देने का कितने का है? तो होएगा नहीं। हम बता दो। भाई सौदा चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं होता है तो अच्छा है। अरे मैं लिया हूँ यार, क्या बात कर रहे हो? तो कुछ कम नहीं हो जाएगा? कुछ होएगा। कितने तक होगा? हो जाएगा 28,000। 28,000 रुपये तक हो जाएगा बोल रही है। बकरा तो माशाल्लाह अच्छा है। कितने किलो का है? 40-45 किलो का। 40-45 किलो का बकरा है बोलते है। सो गाइस, आपको अगर जमता है तो आओ और फटाफट से परचेज करो और लेके जाओ। खस्सी अंडूली है? अंडूले बोलते गाइस। ये बकरा तो माशाल्लाह अच्छा फ्रेम में है, फुल वाइट है। जैसे कि आप देख रहे हो ज़्यादा बकरे तो आए नहीं अभी, तो मतलब फर्स्ट डे ही है यहाँ पे। देख सकते हो सब खाली खाली, ये बाड़े, ये सब पूरा बाड़ा है बकरों का, ये सब खाली खाली आप देख सकते हो। मतलब ज़्यादा बकरे तो यहाँ पे आए नहीं है। आएगी अभी तो मैं काउंटर नंबर पे जाऊँगा, काउंटर नंबर पे जाके आपको बता दो कि कितने बकरे आए। ये बार बहुत अच्छा है, लोग ने बना दिए। मतलब जो बीच में जो रास्ता होता था बीच का, वही बहुत अच्छा, मतलब पूरा शेड वगैरह कर दिए। और अपना क्या बोलते, बारिश की भी टेंशन कुछ है नहीं अभी ये बार, माशाल्लाह सब बकरों को भी अच्छा रहेगा। ये शेड वगैरह बना चुके हैं यहाँ पे लोग ने आज। आए S3 बाड़ा नंबर 6 में। अभी तक तो मेरे को लगता है कि कुर्बानी का लॉट तो आया ही नहीं है। जो बचे कुछ है, जो सैटरडे संडे, जो सैटरडे और फ्राइडे या ट्यूसडे के मंडी जो होती है उसमें जो आते बच जाते वही लग रहे, क्योंकि कोई कुर्बानी का बकरा तो लग तो नहीं जाए। लेकिन एक बकरा मुझे दिखा वह उसका ही देखो, वो है ये थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब लायक लग रहा है मुझे। और ये मेरा दोस्त जैगम, ये इसको दोस्त मेरा जैगम, इसके साथ मैं आया क्योंकि मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं था, इसके लिए मैं इसके साथ आया। इसलिए मुझे बकरा बली का बकरा बना दिया अपने साथ। बली का बकरा बना दिया, बकरों के पीछे मुझे बली का बकरा बना दिया। अभी आए S4 बाड़े में, S4 होता है उसमें। और ये जो दिख रहा है ये बकरा बहुत एग्रेसिव बकरा, देख सकते हो ऐसा। इसमें कुछ लग रहे कुर्बानी लायक बकरे तो लग रहे मुझे ये बाड़ी के अंदर। ऐसे तो गाइस इसको मैं बोल सा बोल रहा हूँ, ये बुड्ढे से जो पीछे वाला ये बुड्ढे है, ये बुड्ढा है ना, ये वाला। हाँ, जो उसके पीछे वाला है। हाँ, ये वाला ना, वो वाला। हाँ, वो कोने में, ये वाला ये कोने में। हाँ, फटाफट गाइस परचेज करो फटाफट। ये बाड़े माशाल्लाह मुझे लग रहा है। हाँ, अभी तो मंडी वगैरह खाली है। हाँ, खाली है ना मंडी अभी, कुछ है नहीं। सही बात है, ये पूरा खाली है। गाइस गाइस तो भर जाएगा। फटाफट आओ गाइस, फटाफट खरीदो तो भर जाएगा। गाइस देख सकते हो पूरा खाली पड़ा है, पूरा कोई बाड़े में है, गिने चुने बकरे है तो वो भी नहीं दिख रहे, बहुत कम दिख रहे। और मतलब बोलते हैं ना कुर्बानी लायक का माल बहुत कम आ रहा है अभी। हम ये बाड़े के अंदर दिखे हमारे को अच्छे। और देखते जाके भी बाड़े के अंदर जाके देखते कि मिल गया तो अच्छा, फिर बताते आपको। हाँ, कितने में लिए भाई ये? कितने में लिए? 14,000 रुपये। मेहनत की कर रहे हो? ये क्या सेल करना है? बेचते हैं। सेल करना है जी। कितना, क्या बोल रहे हैं इसका? 14,000। कितने दांत पे? दो दांत पे। दो दांत है पक्का? दो दांत है। हाँ गाइस देखो, दो दांत का है ये बकरा। आपका कॉन्टेक्ट नंबर का, आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोलो। हमारा नंबर याद नहीं है। नंबर याद नहीं है जी। ठीक है, हम लोग आए कुछ गेट इधर, तो मुझे मालूम तो नहीं, उतना मालूम आता नहीं। जो मेन गेट रहता है ना, मेन गेट के जो अंदर आते वही है,
वहीं से अंदर। तो इसको देखो गाइस कैसा, ये हमने देख चुका था ना पहले, ये बकरा देख के रास्ते में गए थे। तो हम लोग अभी अंदर आगे चलते फिर बताते। भूख लगी थी इसको खिलाया मैंने अभी कटलेट पाव। कैसा है कटलेट पाव? बहुत टेस्टी है। देखा भुक्कड़ कैसा खा रहा है, देखो कैसा, क्या बोलो अभी और खिलाएगा तू मुझे? मुझे बोला था सब। ये गेट के अंदर जो आते हैं वहाँ से जो गेट होता है, वहाँ गेट से जो आते हैं वहाँ पे कभी अभी जस्ट लॉट उतरा है, यहाँ पे माल आया है एक गुजरी और अपना क्या बोलते हैं तोता पारी सोजत। जब गाइस देखो वहाँ पे भी सोजत वगैरह का लॉट उतरा है, आपको जूम करके बताता हूँ, ये देख सकते हो ये सोजत राजस्थानी सब मिक्स माल उतरा है यहाँ पे जस्ट सही बाड़े के सामने ही है। देखो देखो अच्छा लगा, कम से कम मुझे लग रहा है ये होगा 60-65 केजी का तो होगा ये बकरा ये वाला। मतलब गाइस थक बाड़ा ST2T23 बाड़े का नंबर, यहाँ पे भी राजस्थानी अजमेरी सोजत मतलब हर किस हर क्वालिटी का माल आया है। गाइस पब्लिक देखो कितनी है, माल देवराज मोटर्स पैर रखने की जगह मिलेगी। रेट क्या है ये वाले बकरे का भाई? ये वाले बकरे का रेट क्या है? 35 जोड़ी देख रही है आपको, ये सोजत की है, इसका 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं दोनों भी 6 दांत पे। मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा है गाइस, लेकिन माशाल्लाह खूबसूरत बहुत है माशाल्लाह, सोजत तो बड़े भी माशाल्लाह, लेकिन बैठे हैं तो गाइस इनको सताना अच्छा नहीं होगा क्योंकि जानवर को भी आराम मिलना चाहिए क्योंकि लोग अभी भी आते हैं मार्केट में, फिर माशाल्लाह अल्लाह के नाम पर कुर्बान भी हो जाते हैं, तो उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना। 4.5 लाख रुपया गाइस मांग रहे हैं। 4.5 इंच तक ये बाड़े में बकरे, ये क्या रेंज तक है? 50,000 का बकरा है, 1 लाख रुपए का बकरा है। लाख रुपए वाला कौन सा भाई? वो सामने खड़े ये वाला, हाँ और भारी बकरा बैठा है अंदर, ये 1.5 लाख का बकरा है। कितना? 1.5 लाख का? हाँ। ये बाड़ा नंबर क्या है? बाड़ा नंबर 27-28 27 और 28 एस टी में ST 27 और 28 ना ST1 में। गाइस देख सकते हो यहाँ पे राजस्थानी है सोजत है अपना गुजरी नस्ल में है माशाल्लाह सब यहाँ पे 90 पार 100 पार ये भी लगता है होगा 110 से 120 रुपये लगता है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोलो गाइस, 99500201 पीरू भाई अजमेर। गाइस इनका नाम पीरू भाई अजमेर है। कुछ भी आपको अगर आपका कोई भी बकरा अच्छा लगता है तो इनको बोलेंगे तो आप रुका दोगे बकरे? हाँ बिल्कुल रुका देंगे। नंबर 33 है जो हम बाड़े में थे वो ST1 वही बाड़े के ना बाड़ा नंबर 33 है। यहाँ पे अलग अलग बाड़े बने हैं भाई, कैसे क्या रेंज तक है बकरे यहाँ पे? यहाँ 55 से लेके और 20 तक। 20 तक है ये बरबरी नस्ल के बकरे, जो भी बरबरी के शौकीन है बरबरी लेने वाले वो ले लो। और बताओ कुछ बकरों के बारे में, क्या दांत से क्या तक है? 2 दांत से लेके 4 दांत 6 दांत तक। 6 दांत तक है? अच्छा कोई मतलब कोई भी आता है तो निगोशिएबल हो जाएगा उसके लिए? हाँ भाई। कम ज़्यादा कुछ हो जाएगा कोई भी आता है? हाँ, आएंगे तो क्यों नहीं होगा, होगा ना बिल्कुल। ठीक है आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। अपना कॉन्टेक्ट नंबर 93-54-43-66। ओके गाइस आप देख लीजिए यहाँ पे बरबरी का लॉट आया पूरा, एक से एक अलीशान बच्चा है माशाल्लाह। तो एक बताओ अच्छा निकाल के आपके हिसाब से। देखो साहब एक से एक है, ये देखिए अभी थकों में आज ही आई गाड़ी, आज ही आई ना गाड़ी, तो थके रहते हैं। अब सेल करना आज से स्टार्ट कर दोगे या कल? कल परसों? नहीं कल परसों से करेंगे, कल परसों से करोगे स्टार्ट? जैसे कोई माल अंदर आ चुका है, ये मतलब सब मिक्स है, मतलब तोता परी और अपना सब मिक्स नस्ल के गाइस जी वाला जो अभी जस्ट लॉट उतरा है ये। राजस्थानी
तो पूछेंगे मतलब बाड़े में जब देखते कौन से बाड़े में जाते फिर पूछते SP2 बाड़े में यहाँ पे देखते कोई अच्छा दिखता है तो फिर आपको बताते भाई। क्या से क्या रेट के बकरे? 50 का है, 60 का है और 40 का भी है, 80 का भी है। 80 वाला कौन सा है? 80 वाला कौन सा? ये क्या दाँत है? दो दाँत थे। हाँ। कुछ मतलब कम होगा, कोई आएगा वगैरह? वो 100-200-500 से कम हो सकता है। 100-200-500 बस इतना ही? हाँ। कुछ हजारों में नहीं? हजारों में नहीं। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, अगर किसको आपके बकरे पसंद आते तो आस आएगा आपके पास। कॉन्टेक्ट नंबर अपना 9916407177। तो गाइस अपने इन्हें कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे चुके हैं। आपका नाम? लुकमान। लुकमान भाई, तो गाइज आपको अगर इनके बकरे पसंद आते हैं तो इनका भाई, इनका नाम है लुकमान भाई, आप कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दे दिए। तो चलो गाइज, मुझे तो यहाँ पे अच्छे बकरे लग रहे हैं, ये माशाल्लाह एक अच्छा लग रहा है। ये भी एक है, ये दोनों बाड़े आपके? ये वाला और ये वाला दोनों बाड़ा इनका। ये बाड़ा नंबर 36 के बाजू वाला ही है, 37 है। अगर आपको बकरे अच्छे लगते हैं यहाँ पे तो आओ और फटाफट से। सो गाइस, ये T2 जो बाड़ा था, मतलब जो शेड बनाई थी शेड, उसके जस्ट पीछे हम लोग अभी नेक्स्ट बाड़े में जा रहे हैं, इसके बाजू वाले बाड़े में चलते हैं। ये वाला कौन सा बाड़ा पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन आगे आके फ्रंट पे देखिए कौन सा बाड़ा, फिर आपको एक्सप्लोर करें। कुछ भी मत लगाना, जोड़ा ही लगाना। रेट से कम रहेगा? नहीं माशाल्लाह दिख रहा है। और देने का बोलना, एक किलो बार्गेनिंग नहीं करने का, थक गया बोलो, देने का बोलो। मीडिया में जाएगा, वीडियो बन रहा है। ये है इसकी जोड़ी, बोलो भाई। देने का बताओ क्या एकदम फाइनल? वाई फाई लगाई क्या? इंटरनेट लगा के? हाँ भाई, इसमें वाई फाई लगाई क्या? बंदा भेजेंगे क्या साथ में क्या? इसके साथ फ्री क्या है? फ्री क्या है बकरे के साथ? क्या फ्री? कहाँ फ्री होते हैं? एक साथ में कोई स्कीम है ही? कोई आगो कोई लिख रहा कि हमने कोई स्कीम है, मतलब ये गजब बेइज्जती है। फ्री करो घर पे भाई, कुछ कम तो होएगा ना? हिंदी बात चाचा चिड़ रहे, बहुत महंगा बोलते हैं। क्या मंडी लगती है? टाइट है मंडी? बहुत बहुत टाइट है, बहुत। 2 लाख आगे तो 3 लाख रुपए की दो जोड़ी बेच रहे। 3 लाख भाई से पूछो, भाई बकरा लेने के लिए बोल जरा कुछ। हाँ, कैसी लगी मंडी? टाइट है? क्या है? टाइट ही है भाई, बहुत टाइट है। तो भाई सबसे बोल रहे हैं मंडी बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि लग ही रहा है। सो ये दो का ही इतने बोली, 1,60,000 बोल दिए। ये उतने के लगते भी नहीं है, 50 मतलब 1 लाख के अंदर के ही लगते हैं दोनों भी, लेकिन इसका बोलिए 1,60,000, 50,000, 80,000 रुपये बोल रहे हैं। गाइस बहुत मेरे को लग रहा है, बहुत मंडी में देखा है तो बहुत टाइट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि कुछ कम भी नहीं करेगा। बोल कम करने बोल भी रहे तो बोलते हैं कि 500-600 कम करेंगे। तो माशाल्लाह से माल तो आ चुका है देवनार में, बस आप लोग की कमी है फटाफट आके लेके जाने की। माल तो माशाल्लाह बहुत आ चुका है, रश देख माल आ चुका है, फटाफट से आओ लेके जाओ। अभी गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतना गर्म हो रहा है, अभी इतना गर्म हो रहा है, कोई हद नहीं इतना गर्म है कि अभी ज़रा आए हम लोग बाहर आसमान में थोड़ा शेड के बाद, थोड़ा ठंडी की हवा आ रही है, तो अंदर बस गाइस बहुत गर्म हो रहा है, बहुत अच्छे ज़्यादा है। क्या उधर क्या है? जल्दी देखना, और एक एक लॉड उतरा है बोलते हैं, और एक एक लॉड उतरा है, फटा उसका भी अपन शूट वगैरह करते हैं फिर चलते हैं। इसका भी अभी माल उतरा है, ये माल अभी उतरा है, राजस्थानी गुजरी और अपना सा मिक्स मतलब माल उतरा है, अभी अभी जस्ट उतरा है। ये बाड़ा नंबर कितने में जाएगा भाई?
कितने नंबर वार्ड में जाएगा? हाँ अबे अंदर गए ना आदमी, बारह नंबर मालूम नहीं है, बारह नंबर को मालूम नहीं अब तक कितने में जाएगा। बकरों का लॉट है ये, बारह नंबर 167 167 बारह नंबर है। यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े बकरे देख सकते हैं सामने, ये भी 100 केजी का होगा, 100 प्लस होगा। बस प्राइस तो पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई अवेलेबल ही नहीं प्राइस बताने के, तो फिर कैसे पूछे मतलब कि बकरे यहाँ पे है। एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है, देखिए भाई माल, ये बाड़ा नंबर 176 है, 176 बाड़ा नंबर में भी माल उतर रहा है। ये बरबरी अपना राजस्थानी मेवाती ये सब नस्ल के गुजरी 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 करके बकरे आए, अभी भी जस्ट माल उतरा है केंद्र का उतरा अभी अभी। तो गाइस मतलब बकरे तो आ रहे हैं, बहुत बकरे आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी जस्ट अंदर आए हैं मंडी के, नीचे कौन से वाले बाड़े के अंदर जाते हैं आपको, ये देख रही है पंजाबी में, ये पंजाबी में अभी तो मतलब लोग प्राइस बताएंगे नहीं, मतलब अभी अभी माल उतरा है तो शायद आज नहीं सोल्ड करें कल सोल्ड करेंगे लोग, मेरे को लगता है अभी जस्ट ये माल उतरा है। अभी अभी ये बोल रहे कि वीडियो में आने गए, आपका नाम हिमाद, हिमाद आप यहाँ बकरा खरीदने आए हो, तो ये दिख रहा है आपको मतलब पसंद पसंद आया कोई बकरा? रेट वेट सब हाई है, खरीदना है कि नहीं? खरीदेगा सब कुर्बानी सबको करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो हम लोग बाहर निकल के आ गए, यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ठंडी हवा भी चल रही है। मेन बात क्या है, अंदर बकरों की हीट है, फिर आपकी पब्लिक की हीट है, तो ऐसा देख अभी दिखा इन लोगों कितना भीड़ है। हाँ दिखा, देखो ये पीछे जो भीड़ कितना है, बहुत भीड़ गए, जैसे पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ हो चुकी है। बकरा दिखा है भाई, ये बकरा बेचने का है क्या? जी बेचने भाई, क्या नस्ल का ये? ये यूपी का है, यूपी का कौन सी? क्योंकि तो ये तोता भाई जैसा टाइप लग रहा है, कश्मीरी बच्चा है, पट्टी वगैरह अच्छी है, काम वगैरह मशीन अच्छी। क्या है भाई, क्या बोल रहे हैं इसका? इसका 35 कितना? 35 बोल रहे हैं, कुछ कम नहीं, कुछ निगोशिएबल नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर गाइस आपको अच्छा लगेगा तो माशाल्लाह अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा पूरा। भाई को अपना नंबर नहीं आ दे, ये मतलब कैसा है, ये जैसे गेट दिख रहा है ना ये बड़ा वाला, इसके जो सामने वाले बाड़ी में ही है ये बकरा, मुझे माशाल्लाह अच्छा लगा बकरा बहुत देखने में। भाई लिए हो क्या बकरा? अरे भाई, हाँ भाई लिए, कितने में लिए? 50,000 में लिए, माशाल्लाह अच्छा भाई, क्वालिटी अच्छी है बकरी की, 50 फिर से वो भाई हमको मिल गए, देखो वापस से आ गए हमारे सामने भाई, ये बकरे का चाहने वाला है भाई। हाँ बहुत भैया, फिर भी हमारे इमरान भाई हैं, कौन करके बहुत चाहने वाले हैं, देखो 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 भाई, शर्मा मत भाई, शर्मा मत यार। तो गाइस यहाँ पे भैंस वगैरह भी, जो भैंस की जो कुर्बानी करते, भैंस की जो कुर्बानी करते इनको मतलब कैसा है, घर ले नहीं जा सकते, यहीं पे कुर्बानी होती है इन लोग की, कोई है तो नहीं, इसी मतलब भैंस बाहर बनी हुई है, कोई है नहीं, जस्ट सामने वाले बाड़े में माशाल्लाह है बकरे, ये एग्रेसिव बकरा दिख रहा है, लेकिन कोई है तो सही, कोई है तो नहीं, बस आपको दिखा देता हूँ, ये एग्रेसिव बहुत है, ये बकरा बहुत एग्रेसिव है, देखो गाइस देखो उसको, कोई है नहीं गाइस, देखो गाइस ट्राइपॉड गिरा दिया उसने, देखो मेरा। मुझे एक बात बोलना भी था माशाल्लाह, क्योंकि भैंस वगैरह के लिए, बकरे के लिए माशाल्लाह से शेड लोग ने बहुत अच्छा बनाया है, किधर से ही मतलब पानी वगैरह आएगा नहीं, मतलब ना राइट साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, किधर से ही पानी नहीं आएगा, मतलब माशाल्लाह से इन लोगों ने मतलब ये बार बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया, बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया। लेकिन इससे पहले वाले या उससे पहले वाले जो साल था उसके अंदर मतलब कैसा था, बहुत चिक्कड़ चिक्कड़ हो जाता था, बहुत पानी बकरे डूबते थे, बकरे वगैरह डूबते थे, तो माशाल्लाह भी बहुत अच्छा कर दिया है, क्योंकि बोलते ना गाइस बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपन जानवर की भी सेफ्टी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाला जो साल था 2021 2020
ये सब साल में इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं किया था। मतलब कैसा था कि बकरे बारिश में डूब रहे, भीग रहे, बकरे बीमार पड़ते थे, बकरे मरते थे। ये साल से माशाल्लाह बहुत अच्छा कर चुका है, बहुत। मैं आपको एक बार अंदर जाके बताता हूँ गाइस। तो ये है, ये पूरा मतलब भैंस का शेड है, देखा पूरी भैंस है, ये पूरा भैंस का, ये पूरा जो इलाका है पूरा भैंस का, ये साइड पूरा भैंस का इलाका है। यहाँ पर पूरा भैंस रहता है। सो मतलब बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपको मैं बैक कैमरा करके बताता हूँ, क्योंकि देखो इन लोग का शेड वगैरह अच्छा बना दिया है, अरेंजमेंट वगैरह जो भी है ना, अरेंजमेंट वगैरह सब अच्छा कर दिया। और माशाल्लाह से भैंसे ही अच्छी अच्छी भरी भरी भैंसे, कोई भी मतलब ऐसे कोई दिख नहीं रहा है क्या है, मतलब हाँ सुखी मतलब दबी हुई भैंसे, इन ऐसी भैंसे है कि बहुत अच्छी अच्छी भैंसे भी है, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एकदम चारों तरफ से लदी हुई, बिल्कुल जैगम की तरह है ये। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? हाँ भाई शर्मा मत बोलो, आपका धंधा रहेगा। कितने का बेच रहे हो? ये 50 रुपए का, ये वाला 50 का, और ये 20 रुपए एक रस्सी, और ये पायल कितने की? 60 रुपए। मतलब कोई आएगा तो मतलब कम से रस में दे देंगे, हो जाएगा? कितने तक होगा पायल? 50 रुपए। पायल 50 रुपए में हो जाएगा। सो आओ भाई फटाफट, आपका नाम बता दो। मंगल, मंगेश। मंगेश, कॉन्टेक्ट नंबर? मोबाइल नहीं। मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, ये मंडी में घूमते रहेंगे। तो आप ले रहे, ले लिए, मैंने कॉकटेल लिया और इसने स्ट्रॉबेरी लिया। बहुत टेस्टी भी है। टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट कैसा है? अच्छा है, मतलब। आओ गाइस फटाफट अंकल का पूरा माल खाली कर दो आगे फटाफट। भाई यार क्या बकरा है, कोटा है ये, कारोली कोटा, ये भी कोटा है। ये दिखाने लेके जा रहे हैं, क्योंकि तो बकरा पसंद आया है। कोई तो बकरा ये देखने जा रहा है, जो पसंद आया। कौन सा आया बकरा पसंद? देखो यहाँ सब छोटे छोटे हैं, मत यहाँ सब ना, बहुत छोटे छोटे बकरे। वहाँ आगे ना सब बड़े बड़े बकरे थे, ये लाइन क्या, वो आगे कोने में ना, वहाँ वहाँ सब अच्छे बड़े बड़े बकरे। हाँ चल वहीं चलते, चल। गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि गाइस आज हम लोग जितना से हमने उतना एक्सप्लोर किया आपको बकरा मंडी, देवनार बकरा मंडी। तो आपको कैसी लगी मंडी? वैसे आपको गाइस पता है कि अवान को तो पता ही, वैसे आपको नहीं पता होगा कि मुझे कम से कम 3 साल तो हो गया मुंबई आए हुए, लेकिन मैं क्या बोलते हैं गवंडी ये फर्स्ट टाइम आया मतलब बकरा मंडी में, और मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ भी है, मतलब अभी तो बहुत शुरुआत है, अभी आगे की देखते होता है कि अभी तो बहुत सारे बकरे आने बाकी है, बहुत सारे वाड़े। आज का तो मतलब पहला ही दिन है ना, तो मतलब पहले दिन का, पहले मतलब आज है संडे और 18 तारीख है, तो आज का ये क्या बोलते हैं पहला ही दिन है मंडी का, तो आज ही इतनी भीड़ हो गई। सोचो आगे और भी 9-10 दिन बाकी है, तो कितनी भीड़ होगी? ज़्यादा बाकी, 9-10 दिन मतलब 10 दिन से भी ज्यादा है अभी। हाँ 10 दिन से, मतलब वही समझ लो 10-12 दिन बाकी है, 10-12 दिन ही बाकी है। बात है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप फटाफट आओ बकरा परचेज करो और अपने से कुर्बानी करो, माशाल्लाह अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।